नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी जी पी एस सी व्यापम हब में। आज हम सी जी व्यापम की आने वाली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि वो उसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो देखिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जाएं और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जो बाजू में बेल आइकन दबाएं ताकि सी जी व्यापम और सी जी पी एस सी से जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक इस माध्यम से पहुँच सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सी जी व्यापम में इतनी इस साल वैकेंसी आने वाली है, सूत्रों से पता चला है कि बहुत सारी वैकेंसी के लिए प्रस्ताव व्यापम के पास आने वाले हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है केमिस्ट भर्ती की। याद रखिएगा, जो रसायन भर्ती परीक्षा है वो बहुत पहले हुई थी और इसका जो भर्ती है वो सबसे पहले होने वाला है। रसायन भर्ती परीक्षा जो है वो होने वाली है। इसके बाद जो है फार्मासिस्ट की जो भर्ती है, दूसरा जो वैकेंसी फार्मासिस्ट की भर्ती होने वाली है, इसका जो प्रस्ताव है वो भी तैयार है। तीसरी और बहुत बम्पर भर्ती होने वाली है, आप लोग जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, पटवारी और राजस्व निरीक्षक का, क्योंकि इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए रेडी रहे क्योंकि पटवारी और राजस्व निरीक्षक बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसके बाद अगर हम अगली वैकेंसी की बात करें तो संयुक्त भर्ती परीक्षा, याद रखिएगा संयुक्त भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए। इसके बाद इसी साल में अगर हम देखें संयुक्त भर्ती परीक्षा के साथ ही फूड इंस्पेक्टर की जो भर्ती परीक्षा है वो भी आयोजित की जाएगी। जो फूड इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा है वो काफ़ी जो है वो उसके प्रस्ताव आएंगे। और इसके बाद जो अगली वैकेंसी है, अगली वैकेंसी है आपके जूनियर इंजीनियर, हमारे इंजीनियर भाइयों के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। याद रखिएगा, ये तीनों पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो आने वाली है और लगभग इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 300 से 250 से 300 के जो वैकेंसी है वो लगभग हो सकती है। इसके बाद अगली वैकेंसी है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है सबसे पुरानी वैकेंसी है सहायक संपरीक्षक असिस्टेंट ऑडिटर की। तो असिस्टेंट ऑडिटर का जो वैकेंसी है वो आने वाला है। देखिए, इसमें 24 जुलाई 2019 का जो है वो। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है एकलव्य जो छात्रावास है, उसमें 3692 पदों के लिए, देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और देखिए यहाँ पर मंत्री जी टेकाम जी का भी जो है उनका ट्यूट जो है वो भी शो हो रहा होगा। इसके बाद जो है बहुत ही बम्पर मात्रा में आने वाली है छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी, बहुत ही बम्पर मात्रा में आने वाली, क्योंकि ये लास्ट जो इसका भर्ती हुई थी 2016 में हुई थी। इस पर क्या योग्यता है और इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊँगा और आपको बताऊँगा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो आने वाली है सी ए एफ भर्ती परीक्षा, अभी आने वाली है। याद रखिएगा, बहुत जल्दी इसको व्यापम में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे व्यापम के नोटिफिकेशन में। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो बस्तर बटालियन की है, जो कि इसी साल बजट में पास हुआ है बस्तर बटालियन का। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है शो हो रहा होगा, ये वन विकास निगम से रिलेटेड है, जो कि परियोजना क्षेत्रपाल और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल और बाकी जो पद है, देखिए ये जो है क्षेत्र रक्षक, इनकी जो है ये वैकेंसी आने वाली है, ये बहुत ही लेटेस्ट है। इसके बाद जो अगली परीक्षा है तकनीकी सहायक की जो है वो परीक्षा होने वाली है, तकनीकी सहायक ये जो है इसका भी प्रस्ताव व्यापम के पास आने को है। तो इस प्रकार से इतनी वैकेंसियाँ आने वाली है। तो आप लोग, और अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो परीक्षाएं हैं कब होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया वो हो सकता है पदों पर जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, अगर संक्रमण की स्थिति ज़्यादा नहीं रही तो। और अगर संक्रमण बढ़ता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो व्यापम के पास प्रस्ताव आने को है और व्यापम रेडी है एग्ज़ाम लेने के लिए, तो कुछ पदों पर जो भर्ती परीक्षा मई में आएगा और परीक्षाएं जुलाई में होगी। देखिए, मई जून में नोटिफिकेशन निकलेगा और उसकी परीक्षाएं जुलाई में होगी। तो याद रखिएगा, जुलाई से लेके दिसंबर तक बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। तो मुझे यही लेटेस्ट अपडेट आपके पास आपको बताना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।